हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम श्रेया श्रीवास्तव, योर बायोलॉजी टीचर। सो कैसी चल रही है एग्जाम की तैयारियां? आई होप सो कि अच्छी चल रही होंगी। ऑलराइट, सो इसके पहले वाले सेशन में हमने डिस्कस करा था किसके बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। हमने यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर भी देखा था एंड हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में भी बात की थी कि क्या क्या टाइप्स होते हैं पॉलिनेशन के। तो इस सेशन में, बिल्कुल छोटा सा सेशन होने वाला है, इस सेशन में हम देखने वाले हैं द प्रोसेस, द मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन। ऑलराइट, एंड इसमें क्या क्या नए स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं वो भी हम पता लगाने वाले हैं। ऑलराइट, सो जब हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन या फिर सेल्फ पॉलिनेशन, किसी भी टाइप के पॉलिनेशन के बारे में बात करते हैं, तो क्या होता है कि पोलन ग्रेन जो है वो आ जाता है स्टिग्मा के ऊपर। ऑलराइट, वंस द पोलन ग्रेन इज लैंडेड ओवर द स्टिग्मा, देन व्हाट हैपेंस, उसके बाद के मैकेनिज्म के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सो सपोज अ पोलन ग्रेन इज लैंडेड ऑन द has landed on the stigma of a flower. All right, अब क्या होगा कि ये जो ओवरी वाला पार्ट है, यहाँ में क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल प्रेजेंट है। ओव्यूल के अंदर क्या है? फीमेल जर्म सेल्स प्रेजेंट है। All right, प्रेजेंट है, कोई उसमें डाउट नहीं है। All right, तो जब पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा तो क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ अ पोलन ट्यूब, ओके, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ पोलन ट्यूब। Okay, so let's see the text. As soon as the pollen grain reaches the stigma, a pollen tube is formed to transfer the male germ cell to the ovary for fertilization with the female germ cell. क्योंकि मुझे मेल जर्म सेल को क्या करना है, फ्यूज कराना है किससे? फीमेल जर्म सेल से। तो एक पोलन ट्यूब की जो है फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस इज द पोलन ट्यूब दैट इज फॉर्म्ड। ओके, अब ये कहाँ तक जाएगा? ओव्यूल तक जाएगा। और किसको लेके जाएगा? इस मेल जर्म सेल को लेकर के जाएगा फॉर fertilization. Let's see the next point. The zygote thus formed develops into an embryo. अब क्या होगा? Fertilization के बाद क्या formation होती है? आपने पिछले classes में भी पढ़ा है, of course zygote formation होती है। वो zygote develop करके क्या बन जाएगा? Embryo बन जाएगा। अब बाकी सारे parts क्या बनेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट, द ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू अ हार्ड कवरिंग कॉल्ड सीड। अब ये जो ओव्यूल था जिसके अंदर हमारा फीमेल जर्म सेल प्रेजेंट था, अब ये एक हार्ड कवरिंग में डेवलप कर जाएगा विच इज कॉल्ड द सीड। ऑलराइट, बेसिकली ओव्यूल क्या बन जाएगा? सीड बन जाएगा। नेक्स्ट इज द ओवरी राइपेंस टू फॉर्म अ फ्रूट। द ओवरी क्या होगा? ये जो स्वॉलन पार्ट होगा ये राइपेंस, यानी कि ये पक करके क्या हो जाएगा? फल बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज द सीड कंटेन्स अ फ्यूचर प्लांट विच इवेंचुअली डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ग्राम सीड। ओके, कभी आपने चना देखा है? चने को जब हम भिगो देते हैं, ज्यादा दिन हो जाते हैं, तो एक वाइट टू वाइट सी चीज निकल जाती है उसके अंदर से। ओके, मान लेते हैं कि इस तरह का चना होता है। ऑलराइट, यहाँ से एक वाइट तरह की चीज निकल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्लांटलेट कहते हैं। ऑलराइट, प्लांटलेट या फिर सीडलिंग बोल सकते हैं उसे, क्योंकि उसी से जो है न्यू प्लांट क्या होता है? अराइज होता है। ऑलराइट, न्यू प्लांट कैसे अराइज होगा? उसी लीफलेट या फिर प्लांटलेट से अराइज होगा। ऑलराइट, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। एंड मैकेनिज्म जो है फोटोसिंथेसिस का, मैकेनिज्म जो है पॉलिनेशन का, वो आपको क्लियर है? ऑलराइट, आपको मैकेनिज्म क्लियर है? सबसे पहले क्या होता है? पोलन जो है लैंड कर जाता है स्टिग्मा पे, देन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब होती है। ऑलराइट, एग्जाम में क्या होता है कि कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ पोलन ट्यूब। ऑलराइट, तो ये जो डायग्राम बेस्ड के क्वेश्चंस होते हैं ये बेसिकली 3 मार्क्स के लिए आते हैं, तो 3 मार्क्स बहुत बड़ी चीज होती है बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑलराइट,
जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है उसमें हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के बारे में। ऑलराइट, सो अगला सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, हमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं अगले सेशन से, सो डोंट मिस द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।